अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु गाइस वेलकम। ओए एक मिनट, मेरे बाल कहाँ गए? अच्छा मैंने कटवा दिए थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु गाइस वेलकम टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको अपने वाइल्ड लाइफ फार्म का विजिट करवाऊंगा जिसमें आपको बहुत से नायाब जानवर देखने को मिलेंगे, हिरन, कई किस्म के गाय और नील गाय वगैरह बहुत कुछ। आए अभी हम चलते हैं अपने उबैदुल्ला जंजुआ वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग फार्म और अभी वहाँ पर मैं आपको अपना फार्म विजिट करवाऊंगा और वहाँ पे आपको मुख्तलिफ हिरन दिखाऊंगा, उनकी किस्मों के बारे में बताऊंगा, कि ब्रीड के बारे में बताऊंगा और आज का व्लॉग जो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल और बहुत ही आला आने वाला है इंशाल्लाह। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहम के साथ साथ आज जो है मेरे फ्रेंड्स भी आ रहे हैं मेरे फार्म पे। आज मेरा बारबेक्यू पार्टी है और हम इंशाल्लाह बारबेक्यू भी वहाँ करेंगे और आज जो है बहुत मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो हूँ अभी मेरे फार्म के बहुत ही करीब पहुँच चुका हूँ, अभी मैं तकरीबन पहुँच चुका हूँ इंशाल्लाह, अभी मैं आपको उसका विजिट करवाऊंगा जल्दी जल्दी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी अपने फार्म पर पहुंच चुका हूं और अभी मैं आपको जल्दी से आपको विजिट करवाता हूं मेरे लेट्स गो। फार्म के अंदर इंटर होते ही मेरी बिल्कुल राइट साइड पे मेरे पास यहाँ पे केजीज हैं जिसमें मैंने रॉ पैरट्स रखे हुए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हैं रॉ पैरट्स। मियां मिठू, मियां मिठू, मियां मिठू, ऑस्ट्रेलियन पैरट्स हैं। और यहाँ पर मैंने एक फीजेंट का पेयर रखा हुआ है जो कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ये गोल्डन फीजेंट है, सास के फीमेल तीतर हैं दो, वाह माशाल्लाह तीतर। अभी मैं आपको दिखाता हूँ पीकॉक्स, पीकॉक्स यू नो डिफरेंट स्पीसीज ऑफ पीकॉक्स, ब्लू शोल्डर, वाइट, ग्रीन जावा एक्स्ट्रा, और मेरे पास एक कूंज भी है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। गाइज ये हैं पीकॉक्स, ये आप देख सकते हैं, ये वेरी फर्स्ट पे ये है हमारा ग्रीन जावा और इसके साथ ही कैरामल पीकॉक है और ये वाइट पीकॉक है और उधर वो ब्लू शोल्डर पीकॉक है और पीछे वाइट पीकॉक्स हैं और जो ऊपर है वो ब्लू शोल्डर पीकॉक है और वो सामने जो है हमारे वो है कूंज 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 कूंज। एक्चुअली अभी मेरे पास थोड़े से कम हुए हैं क्योंकि कुछ सेल भी हो चुके हैं और कुछ मर भी गए हैं बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से, और कूंज भी मेरे पास थी और वो एक पेयर जो है मैंने सेल कर दिया। अगर आपने कोई मोर, कोई अंडा, कुछ ख़रीदना हो तो आप रब्ता कर सकते हैं। ये थे मेरे बर्ड जो मैंने कुछ 7-8 मेरे पास पैरट्स हैं रॉ और 7 तितर हैं, फीजेंट हैं, ऑस्ट्रेलियन पैरट्स हैं और ये थे मेरा बर्ड। अभी मैंने रिसेंटली जो है वो स्टार्ट किया है, अभी इंशाल्लाह स्लोली स्लोली मैं इसको ग्रो करूँगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक बहुत ही प्यारा जानवर जो कि मेरा दोस्त भी है, वो है नील गाय, वो मैं फुल टेम्ड किया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरे साथ खेलता भी है और बहुत अच्छा है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। आ जा शाबाश। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ये है जी नीला। गाइस ये है ब्लू बुल नील गाय जो कि ये भी 1-1.5 साल का है और ये मेल है और ये बहुत ही माशा जो है खेलिया खेलिया करता है, ये बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह। बुलू बुलू नीले ठीक है, छूना 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 छूना, इट्स माय फ्रेंड यू नो गाइस। पीकॉक्स मैंने आपको दिखा दिए हैं जो कि मेरे पास थे, अभी मैं आपको बहुत ही डिफरेंट चीज़ दिखाने लगा हूँ, वो हैं हिरन, डियर्स हैं मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, कई किस्म के हिरन हैं, कोई 5-6 किस्म के हैं और जिनमें से इंडियन भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, अफगानी भी हैं और उसके साथ डिफरेंट कंट्रीज़ के, और मेरे पास जो एक स्पेशल सबसे ब्रीड है वो नॉर्थ अमेरिका की है जो कि वाइट डियर्स हैं और वो जो है बहुत ही ज़्यादा रेयर हैं, वो आपको पाकिस्तान में बहुत ही कम मिलेंगे अगर आपको मिलेंगे भी। वो नीलू तो फिर आ गया। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेरी कॉमन एंड सिंपल ब्रीड से जो कि है चिंकारा। ये इसके बारे में आपको बताऊँ, ये जो है इनका जो साइज़ है वो बहुत छोटा होता है, वो तकरीबन ये हाइट में 2 फीट्स होते हैं और लेंथ में भी ये तकरीबन 2-2.5 फीट होते हैं या 3 फुट ज़्यादा ज़्यादा, और जो इनकी जो टांगें होती हैं बहुत ही पतली पतली होती हैं, मैं आपको बल्कि दिखाता भी हूँ। और ये है चिंकारा का की पिक केज,
ये आप देख सकते हैं सामने, ये चिंकारा है, ये जो आप समझ, ये मेल है, बाकी सारी जो है वो फीमेल्स हैं। इनकी आप टांगे देख सकते हैं। एक मिनट, केज का दरवाजा तो बंद किया हुआ है, तो मैं आपको ना इधर से दिखाता हूँ थोड़ा जूम करके। और ये देखें इंशाल्लाह, ये हैं जी बम बम बम। जो डोर है वो तो परमानेंट तो नहीं, मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से बंद किया हुआ है, जो कि मुझे खोलना मुश्किल है, वो मुलाजिम को बुलाना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ। अभी अंदर चलेंगे सारे मुझे देख कर। शिट, अभी मैं आपको दिखाता हूँ ब्लैक बक, जो कि मेरे पास मेरे फार्म में मौजूद है। अभी हम आपको विज़िट करवाते हैं। एक तो ये हिरन जो है ना बहुत ज़्यादा डरते हैं, लेकिन एक यहाँ पे चिंकारा में हिरन है वो फुल टेम है, वो मेरे साथ जो है वो अच्छा है, लेकिन कुछ हिरन है वो इतना ज़्यादा डरते हैं ना, ऐसे करो वो डर के भाग जाते हैं। अभी मैं आपको ब्लैक बक दिखाता हूँ, असल में केज के अंदर जाएँ तो इनको नुकसान पहुँच सकता है, क्योंकि जानवर हैं, फिर छलांगे लगाते हैं तो फिर इनको चोट लग सकती है। अभी मैं बहुत ही एहतियात के साथ ये ब्लैक बक आपको मैं दिखाता हूँ। ये ब्लैक बक की फ़ीमेल है, और वो उसका बेबी था, वो भाग गया। और वो सामने जो है वो मेल साहब हैं, बड़े ख़तरनाक लग रहे हैं, इनका कोई पता नहीं। आप सींग देख सकते हैं माशाल्लाह कितने हैवी हैं, कोई पता नहीं कब मार दें, इसीलिए थोड़ा पीछे रहें तो वही ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह हाफिज़। बस मैंने इतनी देर के लिए आपको दिखाता हूँ। अभी हमने ब्लैक बक्स देखे हैं, उससे पहले हम चिंकारा भी हम देख चुके हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ भला, स्पॉटेड डियर्स, आई मीन टू से, हाँ स्पॉटेड डियर्स जिसको कहते हैं, सॉरी फेलो डियर्स, ये फेलो डियर्स हैं, और इनके साथ जो है वाइट डियर्स हैं, जो कि नॉर्थ अमेरिका की ब्रीड है, और ये बहुत ही रेयर हैं। अभी मैं इनको आपको दिखाता हूँ। अभी इनके जो है ना घर में वो इसमें थोड़े कमज़ोर हो रहे थे, तो इनको ना खाद वगैरह डाली हुई है, जिसकी वजह से जो इतना वो जो है ना मैले शैले हुए हैं। खैर ऐसे ही दिखा देते हैं आपको। ये है वाइट डियर, ये आप देख सकते हैं ये कितना माशाल्लाह खूबसूरत है, और इसके जो आप हॉर्न्स हैं वो देखें तो आपको माशाल्लाह पता लगेगा कि कितने लेवल हैं। ये वाइट डियर है, जो कि नॉर्थ अमेरिका की ब्रीड है, और ये बहुत ही रेयर हैं। और इसकी अगर मैं आपको फीमेल्स दिखाऊं तो वो थोड़ा सा इधर आ जाएं अगर, तो ये देखें ये हैं इनकी फीमेल्स, ये देखें, ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हैं। ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी होती हैं, लाइक टू फिर काफ़ी महंगी होती हैं। एक मिनट, वाइट डियर जो है वो बाहर आ चुका है, इसको मैं आपको ना आपको मैं क्लोज भी दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह, ये हमारा वाइट डियर, इसके जो है हॉर्न्स मेरे पास पड़े हुए हैं, अगर किसी को ट्रॉफी चाहिए वाइट डियर की तो वो भी आप मुझसे ख़रीद सकते हैं। मेरे पेज पे आप फेसबुक पे जाके उबैदा जनरल पाए वाले सर्च करके जो इसके वाइट डियर के हॉर्न्स है उसकी ट्रॉफी आपको मिल सकती है, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अच्छा ये देखें, ये माशाल्लाह ये नीला आ गया, नीला मुझे तो बहुत तंग तुम्हें तंग करता है। आप अभी जाओ, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपना वीडियो, बाद में बात करेंगे, अल्लाह हाफिज़। अच्छा गाइस, मैं आपको बता रहा था कि ये है वाइट डियर, ये आप देख सकते हैं करीब से माशाल्लाह। वी वी, ये मुझे मार, ओ ना यार, ओ ना, बाय बाय। ये थे वाइट डियर्स, अभी मैं आपको दिखाता हूँ फेलो डियर्स, जिनकी बॉडी जो है वो जो बॉडी पे हल्के के स्पॉट होते हैं, मतलब कि स्पॉटेड डियर भी उन्हें कहते हैं, और ये जो है ये भी बड़े नायाब, और मतलब कि ये अच्छे बहुत हिरन होते हैं, ये भी मतलब कि कोई 4 to 5 lakh का एक पेयर मिलता है, तो माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, देख रहे हैं मेरे, ये है मेल जिसके हॉर्न्स भी है, ये तो पट्टे खा रहा है, और इसके साथ अगर मैं दिखाऊं, और ये जो है ये फीमेल है इनकी, और ये सामने जो है ये भी फीमेल है, और नीचे बैठी हुई हैं वो भी फीमेल हैं। ये हैं स्पॉटेड डियर, आप इसको मैं थोड़ा जूम करके देख सकते हैं आप माशाल्लाह। ये है उबैदुल्ला जंजुआ प्राइवेट वाइल्ड ब्रीडिंग फार्म, तो ये आपने देखा ये वाइट डियर्स और ये फेलो डियर्स, और उसके अलावा ब्लैक बक की, ब्लैक बक आप एक और नज़र डलवा देता हूँ आपको, और वो सामने हैं ब्लैक बक, जो कि बहुत ज़्यादा डरते हैं। और अभी यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ चीतल डियर, यहाँ पे इस केज में कुछ फेलो डियर भी हैं। ये देखें, ये चीतल का जो है फॉन है, छोटा सा बेबी है ये जो जा रहा है सामने, और ये जो है ना वो चीतल है मेल सामने, जो ये वाला, और ये फेलो डियर्स हैं कुछ साथ, ये भी फेलो डियर है, और वो चीतल है, चीतल का बच्चा है। ये देखते हैं फ़र्क, ये थोड़े से डार्क होते हैं, और इनके ना स्किन कलर, जो इसकी जो स्किन की बैकबोन किसे कहते हैं ऊपर हड्डी, वो थोड़ी डार्क होती है, और जो बाकी जो फेलो डियर वो थोड़े लाइट होते हैं, ये थोड़ा डार्क होता है, और वो ब्लैक बक का बच्चा अंदर घूम रहा है इनके, ये वाला साथ ही चीतल हैं दो, और ये फेलो डियर हैं। कोई नीले तो फिर आ गया। तो ये थे मेरे पास जो डियर्स की कलेक्शन है वो।
इसमें से मैंने काफ़ी सेल किए हैं कुछ जो हैं वो एक्चुअली उनका मसला भी है कि गर्मी ज़्यादा हो जाए ना तो इनके मरने के खदशात भी ज़्यादा होते हैं। मतलब कि सारे हिरन नहीं, कुछ हिरन जैसे चिंकारा वो तो रहते डेजर्ट में है ना, उनको तो मसला नहीं है बहुत ज़्यादा गर्मी का। लेकिन एक में जो वाइट डियर था जैसे मैंने आपको बताया है कि वो नॉर्थ अमेरिका की ब्रीड है, तो वो जो है वो एक मर गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, कोई मसला नहीं, अल्लाह और देगा, अल्लाह के हुक्म से हुआ। कुल्लु नफ्सिन ज़ायकतुल मौत, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अब देख सकते हैं ये ये मैंने यहाँ पे गार्डन लगाया हुआ था ग्रीन, सॉरी ये गावा का मतलब कि अमरूद का बाग था ये पूरा ना, लेकिन इस तरह था अभी हमने केजेस में इनको पहले नहीं रखा हुआ था, हमने इनको फुल वाइल्ड लाइफ वाला इन्वायरमेंट दिया हुआ था ताकि ये जो है बोर ना हों, ताकि ये कमज़ोर ना हो जाएं, कि इनको लगे कि हम जंगलों से कहाँ आ गए हैं बंजर ना केजों के अंदर। तो उसके लिए हमने जो है ना इनके लिए बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया था, पूरा गार्डन लगाया था ग्रीन गावा का ना, मतलब अमरूद का, जिसमें ये जो है वो खुश रहते थे, भागते रहे सारे हिरन कोई 40-50-60 हिरन ना, मतलब ऐसे भागते थे माशाल्लाह। लेकिन उसका हमें नुकसान ये हुआ है कि आप देख सकते हैं जो नीचे इसका जो है ग्राउंड है ये ग्रीन ये जो है, ये तो मेरे मुंह में ग्रीन जवा नहीं जा रहा, ये जो ये था ना अमरूद का बाग, ये काफ़ी हद तक जो है ना मतलब कि ये ख़राब हो गया, मतलब कि फल देना छोड़ गया। इसकी वजह ये थी कि इन्होंने यहाँ पर ना मतलब कि जो इनका वेस्ट होता है उसकी वजह से वो ग्राउंड जो है वो बहुत ज़्यादा एसिडिटी होगी इसके अंदर, मतलब कि तजाबियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिस वजह से ये जो था लैंड ये ग्राउंड ये ज़रखेज़ नहीं रहा, जिस वजह से ये फल नहीं दे रहा। अभी हमने इन सब के लिए देख सकते हैं आप, सब के लिए हमने जो है ना केजेस बनाए ताकि अभी केजेस के अंदर ही रहें और अंदर ही जो करना करें, और इसलिए जो है ना ये अभी उनको बंद किया। अभी उम्मीद है इंशाल्लाह कुछ देर के अंदर अंदर ही जो है ना ये जो लैंड है ग्राउंड है ये इंशाल्लाह रिपेयर हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। और हमारा काम कैसे कि शेख की वीडियो में भी हमने सुना आसिफ साहब की कि हम आपका काम है पौधे लगाना, बाकी अल्लाह का काम है। अभी हमने यहाँ पर गार्डन लगाया था और यहाँ पर हिरनों की वजह से जो है वो तजाबीत होगी, अभी हमारा काम था हम इनको केजेस के अंदर डालें। अभी हमने केजेस के अंदर इनको डाल दिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो अभी आगे अल्लाह ताला का काम है कि वो इसको दोबारा जो है वो बाग सरसब्ज बाग में बदले इंशाल्लाह। गाइस ये था मेरा फार्म उबैदुल्ला जिंजुआ प्राइवेट वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग फार्म जो कि आपने अभी देखा। तो अभी मुझे इजाज़त दें, अभी मेरे फ्रेंड्स भी कुछ आ रहे हैं, अगर आपने कोई भी जानवर परिंदा खरीदना इवन क्या आपने कोई लाइन चाहिए वो भी आप खरीद सकते हैं आप, मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक नंबर होगा और लिंक होगा और लोकेशन भी मैं फार्म की डाल दूंगा, अगर आप आना चाहें कोई जानवर खरीदना चाहे हिरन लेना चाहे तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं इंशाल्लाह। अभी मुझे इजाज़त दें, उम्मीद है आपको इंशाल्लाह व्लॉग पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा, आपने बहुत से हिरनों के बारे में जाना होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।